अभी राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात का तक पहुंचेगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। ये चार्जशीट दुबई से भारत लाए गए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के आधार पर तैयार की गई है। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील करवाने वाला बिचौलिया था। और उस पर यह सौदा करवाने के लिए भारत में कई अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की इस चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा किया गया है। ईडी के चार्जशीट में दावा किया गया है कि इस घोटाले में सेना के अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया और सत्ताधारी पक्ष के महत्वपूर्ण लोगों को रिश्वत दी गई थी। बुधवार को दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अनुसार अगस्ता वेस्टलैंड केस का पूरा खुलासा करते हुए बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने माना कि जिस एमपी का जिक्र किया गया है उसका मतलब अहमद पटेल है और एफएम का मतलब है फैमिली यानी परिवार। क्रिश्चियन मिशेल ने पूछताछ में मिसेज गांधी का नाम लिया और यह माना कि वो मिसेज गांधी को 1986-87 से जानता है। इस पूरे मामले की कुंजी अगस्ता वेस्टलैंड डील है, क्योंकि इस डील को समझे बगैर ये पूरा मामला समझ में नहीं आ सकता। भारत में वीआईपीज के लिए पहले रूस के हेलीकॉप्टर MI-8 का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये हेलीकॉप्टर काफी पुराने पड़ चुके थे, इसलिए अगस्त 1999 में भारतीय वायुसेना ने वीआईपीज के इस्तेमाल के लिए MI-8 हेलीकॉप्टर को बदलने का प्रस्ताव दिया। साल 2006 में नए हेलीकॉप्टर के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार के समय ग्लोबल टेंडर निकाला गया और फिर नए हेलीकॉप्टर के तौर पर इटली के अगस्ता वेस्टलैंड का चुनाव हुआ। जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने फिन मैकेनिका कंपनी से साल 2010 में 3,565 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड पर की गई निर्णायक कार्यवाही, फरवरी 2010 में अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के माध्यम से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट अगस्ता वेस्टलैंड और उसकी पेरेंट कंपनी फिन मैकेनिका को मिला, जिसकी कुल लागत 3,546 करोड़ रुपए निर्धारित हुई। फिन मैकेनिका इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड की सहयोगी कंपनी है और इसमें 30% हिस्सेदारी इटली सरकार की भी है, लेकिन फरवरी 2012 में इस हेलीकॉप्टर डील में रिश्वतखोरी के आरोप लगे। अधिकारियों, मीडिया और कई नेताओं को करीब 540 करोड़ रुपए की घूस दी गई, लेकिन जब डील पर सवाल उठने लगे तो 12 फरवरी 2013 को इटली की पुलिस ने फिन मैकेनिका की तत्कालीन प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को बकाया भुगतान करने पर रोक लगाकर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। मार्च 2013 में सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और फिर जनवरी 2014 में भारत सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील को रद्द कर दिया, जिसके बाद देश की राजनीति गर्मा गई थी। लेकिन इस मामले में अहम मोड़ तब आया जब मोदी सरकार अगस्ता केस के मुख्य आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को 4 दिसंबर को प्रत्यर्पण कर दुबई से भारत लेकर आई, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया और प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए गांधी परिवार और कांग्रेस पर हमला बोल दिया। सरकार में आने के बाद सारी फाइलें, कागजें पता नहीं कहां कहां लगा दिया था, ढूंढते रहे और उसमें से एक राजदार हाथ लग गया। ये दलाली का काम करता था, हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को
वो कटकी देता था, कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। हालांकि तब कांग्रेस ने मोदी सरकार पर क्रिश्चियन मिशेल के बहाने हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में कांग्रेस को बदनाम करने के आरोप लगा दिए थे। क्रिश्चियन मिशेल की झूठी पटकथा जो आपके टेलीविजन चैनल्स ने भी दिखाई, वो तो जुलाई 2018 में दुबई में मोदी जी ने पहले ही लिख ली थी। मोदी सरकार खुद के गड़बड़ झाले, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ संलिप्तता, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी से खुद के पक्ष को छिपाने के लिए विपक्ष पर कीचड़ फेंकने का कुत्सित प्रयास कर रही है। लेकिन तमाम दावों के बावजूद क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण के बाद से ही कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई थी और अब चुनाव के ठीक पहले अगस्ता मामले में चार्जशीट कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है।